learn English. आओ अंग्रेजी सीखें. पार्ट 20. दोस्तों इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है. इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना. कक्षा में मंगला के कुत्ते के आने से कैसी धूम मची थी ना. चलो देखते हैं कि आज क्या होता है, कल्लू कक्षा में कैसी धूम मचाता है. वो कैसे काम है ना. हाँ बहुत बनती है. कल्लू बाप रे, ये फिर आ गया, सारे पर्से गिरा दिए, सब कुछ बिखरा दिया. कल दूध थी क्या करे, आज तो जरूर डांट पड़ेगी. क्या कर रहे हो तुम दोनों. सुनीता दीदी देखिए ना, कल्लू ने क्या कर दिया. अरे ये क्या हुआ, मचा रखा बदमाश. देखिए ना कक्षा की क्या हालत बना रखी है. बाप रे ये सब किसने किया. कल्लू ने. क्या कल्लू ने. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो 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 फटाफट सब समेटते हैं. क्या उधम मचाई थी. अच्छा तो ये बात है, ठीक है सब समेट लिया ना, घर जाने का समय हो गया है. लेकिन कोई काम तो बाकी नहीं रह गया. मैं श्यामपट साफ करता हूँ. लेकिन संतोष श्यामपट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बता जरा सुनीता दीदी को. ब्लैक बोर्ड. यस श्यामपट, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड. श्यामपट को साफ करने वाली वस्तु को डस्टर कहते हैं. हाँ अंग्रेजी में भी डस्टर ही कहते हैं. और खड़िया को चौक, ग्रीन चौक एंड रेड चौक. वाह रंजना शो मी द रेड चौक. हाँ देखिए ये लाल खड़िया रेड चौक और ये हरी खड़िया ग्रीन चौक. वेरी गुड, ब्लैक बोर्ड डस्टर चौक. अब डस्टर से शाम पर साफ करो, खड़िया उठा के रखो. उसके बाद Shut the cupboard. Shut the window. And now, shut the door. अच्छा बच्चों कल समय पर आना हो, अब मैं चलती हूँ. अच्छा नमस्ते. टीचर जी आप चलिए, मैं बरामदे में थोड़ी देर बैठकर इन बच्चों के साथ बातें करती हूँ. आज के पाठ में सुने गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे. दिस इज माय पेंसिल. These are my pencils. This is her pencil. This is my book. These are my books. This is his book. These are his books. Thank you.
सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहाँ भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। साधारण बातचीत में कभी हम एक और कभी अनेक वस्तुओं के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। पहले सब बच्चे अपने अपने बस्ते में से कोई सी भी एक पुस्तक निकालें। मैं कुछ देर रुकती हूँ। पुस्तक लेकर तैयार है ना सब? अब सब बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे। दिस इज माय बुक, यानी ये मेरी पुस्तक है। चलो मेरे बाद एक साथ बोलो, दिस इज माय बुक। गुड। अब और दो तीन पुस्तकें अपने अपने बस्ते में से निकालो। सब तैयार? तो फिर सब एक साथ बोलो, दीज आर माय बुक्स, मतलब ये मेरी पुस्तकें हैं। चलो सब बोलो, दीज आर माय बुक्स। अभी जिन वाक्यों का अभ्यास तुमने किया उन्हें मैं दोबारा कहूंगी, तुम उच्चारण की ओर ध्यान देना। दिस इज माय बुक, ये मेरी पुस्तक है। दीज आर माय बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। अब टीचर जी एक लड़की को खड़ा कराएंगे, वो अपनी एक पुस्तक लेकर तैयार हो जाए। अगर तुम्हारी कक्षा में लड़कियां ना हो तो तुम सिर्फ सुनो और मेरे कहे अनुसार बोलो। कोई लड़की अपनी एक पुस्तक लेकर खड़ी हो गई तो बाकी बच्चे बोलेंगे, दिस इज हर बुक, मतलब ये उसकी पुस्तक है। मेरी बात सब एक साथ बोलो, दिस इज हर बुक। अब जो लड़की खड़ी है वो अपने बस्ते में से दो तीन और पुस्तकें निकाल ले। तैयार? तो अब बाकी बच्चे बोलेंगे, दीज आर हर बुक्स, मतलब ये उसकी पुस्तकें हैं। चलो मेरे बात सब एक साथ बोलो, दीज आर हर बुक्स। गुड। अब एक लड़का खड़ा हो जाए, पहले एक ही पुस्तक लेकर खड़ा हो, और यदि कक्षा में लड़के ना हो तो तुम सिर्फ सुनना और मेरे कहे अनुसार बोलना। एक पुस्तक लेकर कोई लड़का खड़ा हुआ है ना, तो अब बाकी सब बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे, ये उसकी पुस्तक है। This is his book, ऐसे ही बोले ना। गुड। अब जो लड़का खड़ा है वो दो तीन पुस्तकें और निकाल ले। तैयार? तो अब बाकी सब बच्चे अंग्रेजी में बोले, ये उसकी पुस्तकें हैं। चलो बोलो अंग्रेजी में, दीज आर हिज बुक्स, ऐसे ही बोले ना। गुड। अगले 15 मिनट तक टीचर जी इन वाक्यों का अभ्यास कराएंगे, अलग अलग चीजों का प्रयोग करके। दिस इज हिज पेन, दीज आर
her pencils. ऐसे वाक्य बनानी है। पाठ खत्म होने से पहले एक गाना सुनोगे? ध्यान से सुनना कि इस गाने में जिस तरीके से तालियां बजाई गई हैं, उसमें क्या खास बात है? तो सुनो। कल्लू का गाना पसंद आया? हम इसे अगले पाठ में सीखेंगे। आज का पाठ यही खत्म हुआ, तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ